नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई। आप देख रहे हैं आई इंडिया। उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में मैनपुरी जिले की करहल सीट सबसे ज्यादा चर्चा में है। यहां बीजेपी के दांव से चुनावी मुकाबला रोचक हो गया है। करहल की हर एक जानकारी आपको इस वीडियो में हम देंगे। हम बताएंगे यहां जातीय समीकरण क्या है, इस सीट पर किस पार्टी का ज्यादा कब्जा रहा है, भाजपा ने कौन सा प्रयोग कर सपा से इस सीट को छीना है। उत्तर प्रदेश और बिहार के यादव समाज के दो बड़े नेताओं के कौन से दामाद आमने सामने लड़ रहे हैं। चलिए बिना देरी किए खबर पर आते हैं। इस बार करहल में सैफई परिवार और उनके दामादों के बीच सीधे जंग होगी। सपा ने पार्टी संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव के भाई रतन सिंह के पोते और रणवीर सिंह यादव के बेटे तेज प्रताप यादव को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने मुलायम के बड़े भाई अभय राम यादव के दामाद अनुजेश यादव पर दांव लगाया है। मुलायम सिंह यादव के दामाद अनुजेश यादव हैं तो लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव हैं। साफ है कि करहल का मुकाबला न सिर्फ रोचक होने जा रहा है, बल्कि रिश्तों के बीच राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई भी देखने को मिल सकती है। करहल में बीजेपी ने दूसरी बार यादव चेहरे पर दांव लगाया है। इससे पहले बीजेपी ने 2002 में सोबरन सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया था और उन्होंने जीत हासिल की थी। हालांकि बाद में उन्होंने सपा का दामन थाम लिया था। बीजेपी उम्मीदवार अनुजेश यादव सपा सांसद धर्मेंद्र यादव की बहन संध्या यादव के पति हैं, जबकि सपा उम्मीदवार तेज प्रताप यादव रिश्ते में अनुजेश के भतीजे हैं। इस लिहाज से करहल में फूफा और भतीजे के बीच जंग देखने को मिल रही है। बता दें, करहल विधानसभा सीट मैनपुरी लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करहल विधानसभा सीट से विधायक बने थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और बड़ी जीत दर्ज करते हुए संसद पहुंच गए। सांसद बन जाने के बाद कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने विधानसभा सदस्य से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में अब मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। आइए अब आपको करहल विधानसभा सीट के इतिहास से रूबरू कराते हैं। करहल विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी की सबसे सुरक्षित सीटों में से एक है। करहल विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का 7 बार कब्जा रहा है। सैफई से सटे इस विधानसभा क्षेत्र में 1993 के बाद केवल एक चुनाव को छोड़ दें तो सपा के प्रत्याशियों को कोई पराजित नहीं कर पाया। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट के चुनावी इतिहास की बात करें तो इस सीट पर विधानसभा का पहला चुनाव 1957 में हुआ था। 1957 के चुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नाथू सिंह यहां के पहले विधायक बने थे। 1962 में स्वतंत्र पार्टी के राम सिंह ने यहां से जीत दर्ज की तो 1967 और 1969 के विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र पार्टी के मुंशीलाल चमार लगातार 2 बार विधायक बने। लेकिन इसके बाद नाथू सिंह 1974 में भारतीय क्रांति दल के टिकट पर और 1977 के चुनाव में जनता पार्टी के सिंबल पर विधानसभा पहुंचे। 1980 के चुनाव में करहल सीट पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आई ने जीत दर्ज की और पार्टी के सिंबल पर शिव मंगल सिंह विधायक बने। 1985 के विधानसभा चुनाव में लोक दल के बाबूराम यादव ने जीत दर्ज की, जबकि 1989 के चुनाव में बाबूराम यादव जनता दल के सिंबल पर विधानसभा पहुंचे। इसके बाद 1991, 1993 और 1996 में बाबूराम यादव लगातार समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक बने, जबकि 2007, 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर सोबरन सिंह यादव ने
जीत की हैट्रिक लगाई। 2022 के चुनाव में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव खुद करहल सीट से चुनावी मैदान में उतरे तो उन्होंने शानदार जीत दर्ज की। अखिलेश यादव 2019 में आजमगढ़ से सांसद बने थे, लेकिन 2022 में उन्होंने लखनऊ की राजनीति करने के लिए अपने गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी जिले की करहल सीट को चुना था। अखिलेश यादव ने करहल सीट को बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को हराकर जीती थी। 2024 के हुए लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट से जीत दर्ज की है और संसद पहुंच चुके हैं। सांसद बन जाने के बाद अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है और अब यहां उपचुनाव हो रहा है। यह सीट समाजवादी पार्टी के लिए अखिलेश यादव का गढ़ बचाने वाली सबसे जरूरी सीट बन गई है। बीजेपी के लिए भी यह सीट बेहद अहम है। इस सीट को जीत कर बीजेपी लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के कारण बिगड़े माहौल को ठीक करने के लिए जोर आजमाइश कर रही है। अब आइए बात करते हैं करहल विधानसभा सीट के जातिगत समीकरण की। करहल विधानसभा सीट पर कुल वोटर्स की संख्या लगभग 3,75,000 है। जातीय समीकरण की बात करें तो करहल में 1,30,000 यादव है। वहीं अनुमान के मुताबिक इस सीट पर अनुसूचित जाति के भी 60,000 मतदाता हैं। इसके साथ ही 50,000 साक्य, 30,000 ठाकुर, 30,000 पाल और बघेल मतदाता हैं। साथ ही इस सीट पर लगभग 25,000 मुस्लिम, 20,000 लोधी, 20,000 ब्राह्मण और 15,000 बनिया समाज के मतदाता आते हैं। यहां एक तरफ करहल सीट से सपा के तेज प्रताप यादव, भाजपा से अनुजेश यादव चुनावी मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ बसपा से अविनाश कुमार साक्य, आजाद समाज पार्टी के विश्वनाथ प्रताप सिंह भी चुनावी मैदान में हैं। 13 नवंबर को सभी प्रत्याशियों के भाग्य ईवीएम में कैद होंगे और 23 नवंबर को मतगणना के साथ ही प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला सामने आ जाएगा। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी नजर हमारी। खबर आपकी नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।